Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. Hello दोस्तों, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं लूप्स या फिर iterations के बारे में. तो दोस्तों, लूप्स या फिर iterations क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं. मान लीजिए आपको कोई मैसेज स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है या फिर आपको कोई भी एक टास्क परफॉर्म करना है, तो आप उसको सिंपल स्टेटमेंट लिख के परफॉर्म कर सकते हैं. लेकिन मान लीजिए यही काम आपको एक से ज़्यादा बार करना है, तो क्या आप इसके लिए मल्टीपल टाइम्स वही स्टेटमेंट्स लिखेंगे? नो. दोस्तों, जब भी हमें कोई रिपीटेटिव टास्क करना होता है, मतलब एक ही काम को एक से ज़्यादा बार करना होता है, तो हमें उसके लिए बार बार सेम स्टेटमेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है. हम उन सब स्टेटमेंट्स को एक लूप के अंदर डाल सकते हैं. दोस्तों, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्रिंटर या फिर फोटोकॉपी मशीन. मान लीजिए आपको एक डॉक्यूमेंट की 10 कॉपीज निकालनी है या फिर एक पेज को 10 टाइम्स प्रिंट करना है, तो हम बार बार उसमें प्रिंट कमांड नहीं देते. हम एक बार प्रिंट देते वक्त ये बता देते हैं कि आपको उसकी टोटल कितनी कॉपीज चाहिए, तो आपका जो डिवाइस है वो उसको ऑटोमेटिकली उतने बार प्रिंट कर देता है, क्योंकि उसके अंदर भी एक लूप या फिर आइट्रेशन का लॉजिक पहले से लगा कर दिया गया है. तो दोस्तों, लूप को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अ लूप स्टेटमेंट अलाउज टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम्स. यानी कि लूप हमें ये अलाउ करती है कि हम एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को एक से ज़्यादा बार रन कर सकें. जब भी हम लूप चलाते हैं दोस्तों, तो लूप में पहली चीज़ हमें चाहिए होती है इनिशियलाइजेशन, दूसरी चीज़ हमें चाहिए होती है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, और तीसरा होता है टर्मिनेशन. तो इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है दोस्तों लूप को स्टार्ट करना, कि लूप कहाँ से स्टार्ट होगी. जैसे अभी मैंने प्रिंटर का एग्जांपल लिया, अगर मुझे 10 कॉपीज निकालनी है तो इनिशियलाइज वो हमेशा 1 से ही होगा, क्योंकि सबसे पहले वो फर्स्ट पेज निकालेगा. उसके बाद आया इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, यानी कि स्टेप्स. एक बार में वो प्रिंटर कितने पेज प्रिंट करेगा? एक ही प्रिंट करेगा. सो दोस्तों, यहाँ पे हमारा स्टेप क्या हुआ? 1, यानी कि वो एक एक पेज को ही प्रिंट करेगा. तीसरा हुआ दोस्तों टर्मिनेशन. टर्मिनेशन का मतलब हुआ लूप स्टॉप कहाँ पर होगी. तो प्रिंटर के लिए जो सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है वो उसको 1 by 1 स्टेप से इंक्रीमेंट करता जाएगा, और जब 10 कॉपीज हो जाएंगी तो वो उस प्रोसेस को स्टॉप कर देगा. ठीक है दोस्तों, तो हर तरह की लूप या फिर आइट्रेशन के लिए याद रखिएगा कि हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है. इनिशियलाइजेशन मतलब लूप स्टार्ट कहाँ से होगी, काम शुरू कहाँ से होगा. इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, कि हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक कैसे जाएंगे. और तीसरा होता है दोस्तों टर्मिनेशन, यानी कि वो लूप स्टॉप कहाँ पर होगी. चलिए दोस्तों, देखते हैं कि पाइथन में लूप्स कैसे वर्क करती हैं. सबसे पहले है हमारे पास व्हाइल लूप. व्हाइल लूप में भी हमें 3 चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी, इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट. मान लीजिए दोस्तों, आप 1 to 5 तक की काउंटिंग स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा ये प्रोग्राम वर्क करेगा. सबसे पहले मैंने लिखा है x=1. ये है दोस्तों मेरा इनिशियलाइजेशन. उसके बाद व्हाइल के साथ मैंने एक कंडीशन दी कि जो भी कोडिंग मैं व्हाइल में दे रही हूँ ये कब तक चलेगी, जब तक x की वैल्यू 6 से कम है. तो इसको मैं बोलूँगी टर्मिनेशन, क्योंकि यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि मेरी लूप स्टॉप तब होगी जब x की वैल्यू 6 से स्मॉल नहीं रहेगी. उसके बाद दोस्तों, ये प्रिंट x वो टास्क है जो मुझे मल्टीपल टाइम्स यानी कि बार बार परफॉर्म करना है. और उसके बाद मैंने लिखा x की वैल्यू कैसे बढ़ेगी, x=x+1. ये है मेरा इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट. तो अभी मैं आपको समझाती हूँ कि इसकी वर्किंग चलेगी कैसे. सो दोस्तों, सबसे पहले x की वैल्यू होगी 1, x इज 1. सेकेंड स्टेप में यहाँ पर चेक होगा इज x इज़ लेस देन 6, क्या 1 की वैल्यू, क्या 1 6 से छोटा है.
दिस इज ट्रू। ट्रू होने के कारण वाइल पार्ट एग्जीक्यूट होगा। स्क्रीन के ऊपर x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यानी कि मुझे आउटपुट में मिलेगा 1। उसके बाद दोस्तों x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब x हो गया हमारा 2। जब x 2 है तो यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, क्या 2 6 से छोटा है? यस। सेकेंड टाइम x की वैल्यू प्रिंट हुई, यानी कि स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा 2। फिर दोस्तों x की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होकर x हो गया 3। फिर वाइल लूप के कारण ये कर्सर वापस ऊपर आया और यहाँ पर चेक होगा क्या 3 6 से छोटा है। तो दोस्तों एक्चुअल में 3 6 से छोटा है, तो 3 स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और x में आ जाएगा 4। दोबारा से कर्सर ऊपर मूव करेगा और चेक करेगा क्या 4 6 से छोटा है। यस। तो फिर से ये लूप एग्जीक्यूट होगी, 4 प्रिंट हुआ, अब x में आ गया 5। फिर कंडीशन चेक होगी क्या 5 6 से छोटा है। यस। तो दोस्तों स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा 5। उसके बाद x की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर अब हो जाएगी 6। जैसे ही x की वैल्यू 6 होगी तो चेक होगा क्या 6 6 से छोटा है। नो, 6 6 से छोटा नहीं है। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी और कर्सर वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही लूप अगर हम सी सी प्लस प्लस या जावा में करें तो उसका भी लॉजिक बिल्कुल सेम है, बस वहाँ पर हर एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट के बाद एक सेमी कॉलन आ जाता है और वाइल के साथ हम जो कंडीशन दे रहे हैं वो ब्रैकेट में दे दी हमने। वाइल ब्लॉक के लिए हमें ये कर्ली ब्रेसेस से उसका स्कोप बताना पड़ता है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया एक्स इक्वल टू 1, जो कि है मेरा इनिशियलाइजेशन। अब मैंने बोला कि ये लूप तब तक चलेगी जब तक x की वैल्यू 6 से कम है। इसके बाद दोस्तों कॉलन ज़रूर लगाइएगा। कॉलन लगाते ही जब हम एंटर प्रेस करेंगे अपने आप वाइल का ब्लॉक स्टार्ट हो गया। हमें यहाँ पर टास्क क्या करना है, मैंने x की वैल्यू को प्रिंट करवाया। आप कुछ और भी मैसेज देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इसके बाद मैंने दिया इंक्रीमेंट, यानी कि हर बार x की वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा। फिर वाइल लूप से बाहर आकर मैंने यहाँ पर मैसेज दे दिया थैंक यू। अब दोस्तों इसको हम सेव करते हैं, फाइल में से सेव। सेव करने के बाद दोस्तों मैं इसको रन कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, फिर से समझिए, x इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ, 1 6 से स्मॉल था तो 1 प्रिंट हो गया स्क्रीन पर। उसके बाद x की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो गई, कर्सर वापस गया ऊपर, 2 इज लेस देन 6 तो 2 प्रिंट हो गया। उसके बाद x की वैल्यू हुई 3, 3 6 से छोटा था तो स्क्रीन के ऊपर 3 प्रिंट हुआ। उसके बाद x की वैल्यू हो गई 4, 4 भी 6 से स्मॉल था तो 4 प्रिंट हुआ। उसके बाद x की वैल्यू हुई 5, 5 भी 6 से स्मॉल था तो 5 प्रिंट हुआ। और फिर इंक्रीमेंट होने पे जब x की वैल्यू 6 हो गई, 6 इज लेस देन 6, कंडीशन हमारी फॉल्स हुई और फॉल्स होते ही कर्सर वाइल लूप से बाहर जंप कर गया। और बाहर आने पर हमारे पास ये स्टेटमेंट थी प्रिंट थैंक यू, इसीलिए ये थैंक यू का मैसेज हमें लास्ट में एक ही बार प्रिंट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आई होप क्लियर होगा आपको। चलिए दोस्तों एक और प्रोग्राम हम करके देखते हैं। मान लीजिए आपको यूज़र से 5 नंबर्स को एक्सेप्ट करना है और उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है। अभी हम सिर्फ नंबर्स को एक्सेप्ट करके डिस्प्ले कर रहे हैं। तो लूप हमारी वही चलेगी, x इक्वल टू 1, x इज लेस देन 6। लेकिन अब मुझे टास्क क्या करना है, मुझे 5 नंबर्स एक्सेप्ट करवाने हैं। तो नंबर के लिए मैंने ले लिया n और मैं वैल्यू एक्सेप्ट करवाने के लिए यूज़ करूँगी इनपुट फंक्शन एंटर नंबर। मैंने एक मैसेज लिख दिया। अब दोस्तों स्क्रीन के ऊपर ये वेट करेगा, जब भी आप नंबर डालेंगे नंबर n में आ जाएगा। अब हम नंबर को यहाँ से प्रिंट करवा देंगे। x की लूप हमारी ऐसे ही चलती रहेगी। मैंने प्रोग्राम को सेव किया और यहाँ से रन किया। तो ये देखिए एंटर नंबर, फर्स्ट टाइम मैंने डाला 10, 10 डिस्प्ले हो गया। अब एंटर नंबर सेकेंड टाइम मैंने 20 डाला, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम,
फिफ्थ टाइम। देखिए दोस्तों, तो 5 times नंबर एक्सेप्ट करवाने के बाद उसने मुझे क्या मैसेज शो कर दिया, थैंक यू, क्योंकि अब लूप स्टॉप हो गई है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों मान लीजिए आपको पाइथन में एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको यूज़र से 5 numbers को एक्सेप्ट करना है, उसका सम कैलकुलेट करना है और सम को डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ x=1, जो कि मेरा लूप के लिए वर्क करेगा। काउंटर कहते हैं दोस्तों इसको, तो मैं काउंटर के लिए यूज़ कर रही हूँ x, जो कि मैंने 1 से स्टार्ट किया। फिर हम लूप लगाएंगे कि लूप कब तक चलेगी या ये काम कब तक होगा, जब तक x की वैल्यू 6 से स्मॉल रहेगी, क्योंकि लूप चलेगी 1, 2, 3, 4 and 5। फिर दोस्तों मुझे यूज़र से नंबर एक्सेप्ट करवाना है, तो मैंने मैसेज लिख दिया इनपुट एंटर नंबर। ठीक है दोस्तों, तो इनपुट फंक्शन की हेल्प से हम नंबर एक्सेप्ट करवा के n में स्टोर करवा लेंगे। लेकिन अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो तो आपको याद होगा कि इनपुट की हेल्प से जब भी हम नंबर एक्सेप्ट करते हैं तो वो स्ट्रिंग फॉर्म में आता है, लेकिन मुझे उस नंबर के ऊपर अब कुछ कैलकुलेशन करनी है, मुझे उस नंबर को ऐड करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मेरा नंबर n में आ जाएगा। अब मुझे क्या करवाना है, मुझे ये नंबर एक बार नहीं 5 times एक्सेप्ट करना है और उसको ऐड करते जाना है। तो ऐड करने के लिए मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, मैंने लिया सम, और उसमें हम इस तरह से लिख के n को ऐड करवाते जाएंगे। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि जो भी नंबर मैं n में टाइप करूंगी वो सम में ऐड होता जाएगा, लेकिन मैं सम को पहले 0 से स्टार्ट कर लेती हूँ ताकि कुछ एरर ना आए। उसके बाद मुझे अपनी लूप को भी आगे बढ़ाना है, तो मैंने लिख दिया x=x+1। ठीक है दोस्तों, इतना टास्क था हमारा लूप में। इसमें क्या हो रहा है, ये हमारी लूप स्टार्ट हो रही है 1 से, लूप चलेगी जब तक वैल्यू 6 से कम है। हर बार x में 1 इंक्रीमेंट होगा, यानी कि लूप 5 times चल सके। अब लूप में दोस्तों हम पहले क्या कह रहे हैं यूज़र को, एंटर नंबर, यूज़र एक नंबर डालेगा जो कि n में आएगा और उस नंबर को हम सम में ऐड करवाते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि अब ये प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, ये रन करेगा, लेकिन अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हूँ तो आपको याद होगा कि जब भी हम इनपुट फंक्शन की हेल्प से नंबर एक्सेप्ट करवाते हैं तो वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में होता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब इस स्ट्रिंग नंबर को सम में ऐड करवा रहे हैं, लेकिन वो नहीं होगा, यानी कि अभी हमें स्क्रीन पे क्या मिलने वाला है, एरर। तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए मुझे अपनी स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा दोस्तों। इंटीजर में, तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं num=int(n), यानी यूजर ने जो भी नंबर n में टाइप किया था उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके नम में स्टोर करो, और अब हम सम में नम को ऐड करेंगे और लूप से बाहर आकर हम सम की वैल्यू को डिस्प्ले करवा लेते हैं। सम इज सम। ठीक है दोस्तों, अब मैंने इसको सेव किया, रन करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, अभी ये बोल रहा है एंटर नंबर, मैंने फर्स्ट नंबर एंटर किया 4, सेकेंड नंबर मैंने टाइप कर दिया 3, थर्ड नंबर डाल दिया 7, 2 and 5। तो देखिए दोस्तों, मैंने 5 numbers एंटर किए, इसने उसका सम किया और रिजल्ट दे दिया 21। अब ये वर्क कैसे किया, देखिए मैं इसको एक बार और समझाती हूँ। अभी हमारा काउंटर जो था x, दोस्तों उसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा x=1। दूसरा वेरिएबल दोस्तों जो मेरा वर्क कर रहा है लूप में, ये है मेरा सम, जिसमें हमारा रिजल्ट स्टोर होने वाला है। अभी सम में मैंने क्या स्टोर करवा रखा है, 0। लूप में चेक होगा क्या 1 6 से स्मॉल है, यस। एंटर नंबर, हमने यूज़र से एक नंबर एक्सेप्ट किया, यूज़र ने टाइप किया 4, 4 नंबर को हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया और नम में स्टोर कर दिया। तो अब मैं लेती हूँ वेरिएबल अपना नम, नम में आया दोस्तों 4,
और उसके बाद मैंने 4 को ऐड करवा दिया सम में, यानी कि सम की पुरानी वैल्यू जो कि थी 0, 0 में ऐड हो जाएगा 4, ठीक है। अब मैंने x में 1 ऐड कर दिया, इट मीन्स x हो गया मेरा 2। तो दोस्तों एक बार लूप चलने के बाद इतनी प्रोसेसिंग हो चुकी है। अब क्योंकि ये लूप है तो कर्सर यहाँ से घूम के वापस ऊपर आएगा वाइल लूप पे और चेक करेगा क्या 2 6 से छोटा है, यस। तो उसने फिर से बोला एंटर नंबर। दोस्तों अब मैंने एंटर किया नंबर 3। 3 नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करके स्टोर करवाया नम में, इट मीन्स नम में आया 3। फिर हमने बोला सम इक्वल टू सम प्लस नम, तो सम की पुरानी वैल्यू देखिए क्या है, 0 प्लस 4 यानी कि 4, और अब इस 4 में ऐड हो जाएगा 3, यानी कि सम हो गया अभी हमारा 7। फिर x में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, x बन गया 3। फिर लूप में कंडीशन चेक होगी, 3 इज लेस देन 6, यस। हमने नया नंबर एक्सेप्ट किया 7, 7 नंबर आ गया नम में कन्वर्ट होकर, और फिर वो सम में ऐड हो जाएगा, यानी कि अब सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 प्लस ये वाला 7। x की वैल्यू हो गई 4, फिर से वो ऊपर गया, 4 इज लेस देन 6, नया नंबर एक्सेप्ट किया। अब मैंने टाइप किया 2, 2 इंटीजर में कन्वर्ट होकर नम में स्टोर हो गया 2, सम में ऐड हो गया 7 प्लस 7, सम की वैल्यू थी 14, और अब उसमें ऐड हो गया ये 2। x की वैल्यू हो गई दोस्तों 5, 5 जो है वो 6 से छोटा है, नया नंबर एक्सेप्ट हुआ, मैंने टाइप किया 5, वो नंबर इंटीजर में कन्वर्ट होकर आ गया नम में, फिर वो ऐड हुआ सम में, यानी कि 16 प्लस 5, और अब की बार x की वैल्यू हो गई 6। अब वो 6 को चेक करेगा, क्या 6 6 से छोटा है, तो अब कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो कर्सर लूप से बाहर आया और बाहर आकर उसने सम की वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया। तो दोस्तों सम में क्या वैल्यू स्टोर हुआ हमारी, 16 प्लस 5, यानी कि सम इज़ माई 21, और वही हमें यहाँ पर रिजल्ट में दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि अब आपका वाइल लूप का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो में हम सीखेंगे फोर लूप के बारे में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी फीडबैक मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।